नमस्कार। 22 बर्षर निरंकुश शासन क्लीन इमेज रो क्लियर रिजल्ट अकुंठ लोकप्रियता चढ़ाई देउछि सफलतार पहाच परे पहाच। निर्वाचन हेउ कि उपनिर्वाचन सबुथिरे बाजीमात। धामनगर उपनिर्वाचन रे पराजय परे पद्मपुर रे विराट विजय। शासक बीजेडी को भरोसा करिसेंति पद्मपुरवासी। काम करिसि शासक दलर सुपरस्टार नवीन को मैजिक। चलंतु आरंभ करबा आजर हमर स्पेशल रिपोर्ट। पद्मपुर उपनिर्वाचन रे विजयी हेला बीजेडी। बीजेडी प्रार्थी वर्षाराणी सिंह बरिहार रेकर्ड 42,000 अधिक भोट्रे बीजेपी प्रार्थी प्रदीप पुरोहित को परास्त करिछन्ते। वर्षाराणी 1,20,000 अधिक भोट पाइथिबा बेले प्रदीप को मिलिछि 78,000 भोट। मात्र 3,500 भोट पाई अमानत हराइछन्ते कांग्रेस प्रार्थी सत्यभूषण साहू। सबु अनुमान और आकलन में पड़ा पूर्णच्छेद। शेष में पद्मपुर को कब्जा कला बीजेडी। बीजेडी को मिलला बंपर विजय। पद्मपुर में करिश्मा देखाइला नवीन मैजिक। पद्मपुर विजय रेकर्ड परे रेकर्ड सृष्टि करिछि बीजेडी। रेकर्ड संख्यक भोट व्यवधान में विजयी होइछंती बीजेडी प्रार्थी वर्षाराणी सिंह बरिहा। अभिज्ञ बीजेपी प्रार्थी प्रदीप पुरोहित को मात देइछंती राजनीति में नवागता वर्षाराणी। 42,679 खंड भोट व्यवधान में जीति वर्षा। वर्षाराणी को मिली 1,20,807 खंड भोट। बीजेपी प्रार्थी प्रदीप पुरोहित पाई 78,128 खंड भोट। सबुठ निराश होती कांग्रेस प्रार्थी सत्यभूषण साहू। तांको मिली मात्र 3,594 खंड भोट। पद्मपुर विजय परे खुशी रे फाटी पड़ी वर्षाराणी। आ विजय श्रेय पद्मपुरवासी दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को देइछंती वर्षा। दल पाई ग्राउंड रे दिन राती मेहनत करथिबा दलीय नेता कर्मी परिश्रम पाई विजय आसिला बोली कहिछंती। विधायिका भाबे निर्वाचित हेबा परे पद्मपुरवासी पाई काम करिवे बोली कथा देइछंती वर्षा। पहला तो सर्वप्रथमे आम पद्मपुरवासी को देमी। तापर आम जिते कर्मी थे नेतृवृंद थे समस्त को देमी। से बहुत कम करें मानव मुख्यमंत्री को देमी। आज्ञा मुझ समस्त लगे काम करमी। सब वर्ग लोक मे काम करमी और जेनटा भी समस्या थी आम समस्त दूर करमी। पद्मपुर उपनिर्वाचन को नहीं मसे काल सरगरम होता राज्यर राजनैतिक माहौल। प्रार्थी चयन ठारु आरंभ करी हाई प्रोफाइल कैंपेन को नहीं कंपिथिला प्रचार मैदान। आचरण विधि उल्लंघन को नहीं तीन प्रमुख राजनीतिक दल भितर आरोप प्रत्यारोप भी शेष जाए लगी रही। भोट गणति उपरे थिला समस्तंक नजर। किंतु गणति आरंभरु बीजेडी रो विजय नहीं मिली जाइथिला संकेत। प्रथमे होइथिला पोस्टल गणति जेउतरे लीड करथिले वर्षा। एतिसह प्रति राउंड रे बीजेपी प्रार्थी प्रदीप पुरोहित प्राय 2,000 भोट अधिक पाई चलते। कौन गोटे भी राउंड रे वर्षा को टपी पारी नथिले प्रदीप। 23 राउंड गणति बेलू वर्षा 1,19,000 अधिक भोट पाई सारी। प्रदीप पुरोहित को 77,000 अधिक भोट रे संतुष्ट होगा पड़ता। तीन थर विधायक कांग्रेस सत्यभूषण एथर अमान हर 4,000 भोट छुई पारी नथिले। बीजेडी का विजय परे जोरदार सेलिब्रेशन करिछंती नेता और कर्मी। पद्मपुर रे वर्षा को बासभवन ठारु आरंभ करी बीजेडी राज्य कार्यालय रे खुशी मनाइछंती। पद्मपुर विजय पाई नवीन का प्लान प्रोग्राम को ग्राउंड रे सफलतार सह कार्यकारी कराइथिबा दक्ष तथा अभिज्ञ सुशांत सिंह वेटरान प्रसन्न आचार्य नवकिशोर दासन को सहित पश्चिम ओडिशार अन्य तुंग नेता माने एबे ढेर उत्साहित। 4 तारिख रे मो माननीय मुख्यमंत्री गुडे मेसेज दे दिली हमर केते वोट बीजेडी पाइबो बीजेपी केते पाइबो एवं से भीतर कांग्रेस खाली टिक लूज करी छी। बाकी प्राय आकलन हमर ठीक रहितला एवं हमर
विजु जनता दल आम माननीय मुख्यमंत्री को प्रचार रे आसीबा द्वारा आउ टिके माने मार्जिन टा पड़ीतिला जे पद्मपुर रे विजु जनता दल रा ए अभूतपूर्व विजय एटा ओडिसा रो आगामी दिन रो लोकंकर विचार मानसिकता रो स्पष्ट प्रतिफलन मो बारंबार कहिछि जे माटी प्रति मुख्यमंत्री एक स्वतंत्र आकर्षण ठीक समग्र ओडिसा प्रति तंकर आकर्षण अछि भल पाइबार अछि। धामनगर विजय धारा को पद्मपुर रे बीजेपी कायम रखिबा नै चलितला जोरदार चर्चा। दलर सबु हेवीवेट का सह चारि चारि जण केन्द्रमंत्री प्रचार मैदान रे शक्ति प्रदर्शन करितला। सीधा सड़क नवीन को साधिथिले निशाना। ता छड़ा अभिज्ञ प्रदीप पुरोहित को प्रार्थी करितिबारु विजय बीजेपी सपक्ष रे जीव बोली राजनीतिक महल रे आकलन भी करा जायतला। किंतु कुआ जाउछि शेष मुहूर्त रे मैदान को ओल्हाई बीजेपी रो सबु अंक को बिगाड़ी दितले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। एपटे पराजय रो पोस्टमार्टम करथुबा बीजेपी अभियोग करिछि अर्थ बल को आयुध करी पद्मपुर को कब्जा करिनेला शासक दल। समीक्षा में करिबु को बूथ रे हमर भल पोजीशन थिला आमे काई की सेठी कमिलु को जगह रे आमे कमिछु आमे से तार भी समीक्षा हेबो एवं समीक्षा हेला परे को कारण जोगु भारतीय जनता पार्टी हारिला मु हारिली से कथा आपन डिटेल मु कहि दै परिबे। बीजेडी बीजेपी फाइट मध्यरे कांग्रेस होई जायछि सतासुग आशा करा जाउथला अभिज्ञ सत्यभूषण साहू किछि न हेले तांको पॉकेट वोट कायम रखिबे। किंतु सत्यभूषण को आडो आखिरे भी चाहिनांति पद्मपुर फुटर विगत निर्वाचन गुड़िक अति कम 30,000 भोट पाउथवा सत्यभूषण एथर 4,000 भोट भी छुई पारिनांति। भुवनेश्वर कैमरामैन आलोक मिश्रों सह अजेश मल्लिक पद्मपुर कैमरामैन संजय साहू सह दुष्मंत बेहरा त्रिविक्रम प्रधान और रंजन देवता न्यूज 18 ओडिया। निर्वाचन जितिबार कला नवीन को जणा मात्र केतोटी उपनिर्वाचन को छाड़िले बाकी सबुरे बीजेडी रो बाजीमात। किछि दिन पूर्व धामनगर रे हारिथिले हेले पद्मपुर रे बम्पर विजय हेले बीजेडी कोण एपरी स्ट्रेटजी अपनाइले जे माटी कामुडिले विरोधी। आउ दल जाणी केमिति जीता जाए निर्वाचन। धामनगर रे धक्का परे हार मानि नथिला बीजेडी बरं पराजय परे दल होइथिला अधिक क्रियाशील आउ पद्मपुर जितिबा पई दम लगाइथिला दल। धामनगर त्रुटि जेमिति रिपीट हेबोनी से नै होइथिला स्ट्राटेजी। स्थानीय नेतांकु निर्वाचन परिचालना दायित्व देइथिले बीजेडी सुप्रीमो माने वरिष्ठ नेतांकु उपरे पूर्ण थरे भरोसी थिले नवीन फलरे स्थानीय नेता स्थानीय भोटरों सहित सहजरे मिसी पारे। वर्षा राणी को नहीं गाँ गाँव में छोट छोट सभा कले नेता। बीजेडी महिला कार खेली महिला समावेश कले वर्षा राणी को धरी घरे घरे पहुंची नेता एवं कर्मी लोकों समस्या पचारे और समाधान प्रतिश्रुति दे जहाँकि दलर भोट सेयार बढ़ाई आउ वर्षा राणी को बीजेपी व्यक्तिगत आक्षेप करते सुधा मापिचुपी बयान देते उभय वर्षा और बीजेडी नेता। प्रचार बेले मरुड़ी पाई चाषी को इनपुट सब्सिडी घोषणा करते बीजेडी सरकार जहाँफल चाषी मैंने नवीन को भरोसा करी फसल बीमा अर्थ केन्द्र देन अभोग भोटरों निकट में रखि तथापि पद्मपुर कौन चान्स नहीं नाला बीजेडी शासक दल को बीजेपी हेवीवेट घन घन आक्रमण पर मैदान को ओह्लते बीजेडी सुप्रीमो तीन सभा कले आईदे जिला गठन नहीं 2023 पद्मपुरवासी स्वप्न साकार है। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति कले व्यक्तिगत आक्षेप कले एवं सब मिथ्या प्रतिश्रुति दे पद्मपुरवासी बुझीगले आपण वर्षाराणी सिंह बरिया को आपक समालोचना कले गोटे झील को मान तार सम्मान आनी कले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बीजेपी दौर कि मैंने असमान कले पद्मपुरवासी उचित जवाब दे पद्मपुरवासी आगु निर्णय कर सारी विजु जनता दल को ही भोट देवे एवं माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को ही भोट देवे एवं माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गला परे आपण देखंतु लोकंकर मत बदलला सबु बदलला एवं लोके पुनी विजु जनता दल को हजार हजार संख्या रे विजय लाभ करैले। पद्मपुर रे पद्म फुटाइबा पई हेवीवेट प्रदीप पुरोहित को मैदान को ओल्हाइथिला बीजेपी हेले से गत थर जहां भोट पाइथिले एथर प्रायतः सेतिकी भोट पाइछो हेले पराजयर व्यवधान 42,000 रु अधिक भोट रहिछि।
काहीकि फेल मारिला बीजेपी वर्षा राणी को बाहर बहु कही प्रदीप माटीर पुओ साथीरे रहिबो कही मागिथिले हेले ताहा काम देलानी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अश्विनी वैष्णव नरेन्द्र सिंह तोमर एवं विशेश्वर टुडु राज्य सरकार को चाषी चाष फसल बीमा रेल प्रकल्प एवं जिला प्रसंगे जोरदार टार्गेट कर हेले समस्त को सीधा सीधा जवाब देते बीजेडी सुप्रीमो जहाँकि भोट सेयार बढ़ाबारे सहायक होता चर्चा हो पांचटा उपनिर्वाचन ओडिशार कौन से जगह गले ना पद्मपुर को आसिले एवं पद्मपुर आसिक जो जो कथा कहले पद्मपुर सब डिविजन को गोटे स्वतंत्र जिलार मान्यता देवा कथा आपणकर इनपुट सब्सिडी चाषी को देवा कथा एवं आपणकर केन्दुपत्र तुलाली मान को 100% बोनस कथा केन्दुपत्र सिजिला कर्मचारी मान को स्थायी निजुक्ति देवा कथा जहाँ जहाँ कहीकि गले जो दादन श्रमिक समस्या अच्छी अंचल जो बाहर को जो निजुक्ति कथा 60 स्कूल बंद हो गला से सब स्कूल पुणी खोल एत प्रतिश्रुति देलापुर सरकार जेहेतु अच्छा से मैंने लोके बोधे भरोसा विश्वास कले नवीन पट्टनायक निर्वाचन बेले भोटर कौन चाहूंटी और सेमानों पर कौन करवा दरकार से स्ट्राटेजी करिबारे बीजेडी पाए आउ शंख चिन्ह में पद्मपुरवासी मोहर ताहा ठीक बोली प्रमाणित करछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। ओडियारे गोटे ढग अच्छी बुड़गला गोड़ तलकू तलकू पद्मपुर रे अमान थर कांग्रेस गत निर्वाचन में 32,000 अधिक भोट पाई हाथ दल एथर पाई मात्र 3,561 खंड भोट तेरे बारंबार पराजय सत्वे दलय नेता कर्मी होना सीरीयस कहीं देखते तो रिपोर्ट अस्तित्व हर ग्रांड ओल्ड पार्टी ओडिशा कांग्रेस अवस्था बुड़गला गोड़ तलकु तलकु क्षताक्त डेणारे केमिति उड़ीब कांग्रेस 24 रेस रु आउट हो हाथ दल चकित कला पद्मपुर जनादेश शासक दल बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस को धूली चटाई देला 40,000 रु अधिक भोट्रे विजयी होती बीजेडी प्रार्थी वर्षाराणी सिंह बरीहा बीजेपी द्वितीय स्थान रही किंतु कांग्रेस जो दल पूर्व निर्वाचन में 32,787 खंड भोट पाई से ही दल एथर पाई मात्र 3,561 खंड भोट अर्थात दल निजर अस्तित्व हर 2014 मसीह देश में बीजेपी सरकार आसवा पर कांग्रेस भोट हार लगातार भाव में सबु राज्य में कमी आसी एणे राज्य में 22 वर्ष धरी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्वच्छ भावमूर्ति जोगु विजु जनता दल एक महाद्रुम परिणत हो दुई हजार 2014 कांग्रेस दल राज्यर मुख्य विरोधी थिला किंतु बीजेपी हाईटेक पॉलिटिक्स जोगु एही दल को 2019 तीन नंबर स्थान को जीवा को पड़िला एहरी भितरे राज्य रे जेतिकी उपनिर्वाचन होईछि कांग्रेस रो भोटार रीतिमत भावे खसिबारे लागिछि तेबे प्रश्न उठुछि जे एहार कारण कौन काहेकि कांग्रेस रो भोटार खसिबारे लागिछि तेबे राज्य रे कांग्रेस रही सोचनीय अवस्था पई दल और दलय नेता दायी बोली राजनीति विस्तारद कहउछंती आमे जते अशिक्षित होई रहिबा आमे आमे आम निज निज भितर कली करिबा एवं ऊपर लोक मैंने सब भितर भितर बहुत एकाठी रोबे से धनाढ़ वर्णाढ़ भाव में रोबे आमे निष्पेषित हवा आमे सब मागिकी खाइबा आमे मजूरी खटिबा एवं कांग्रेस से भाई भाव में बहु वर्ष धरी शासन करगले शासन करने को इच्छा ही ना कारण मध्यरु प्रमुख कारण है तृणमूल स्तर में दुर्बल सांगठनिक स्थिति
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ରୀତିମତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ହୋମୱାର୍କ କରାଇବା କଥା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବା ପରେ ଦଳର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ତିନିଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ବ୍ରଜରାଜନଗର, ଧାମନଗର ଏବଂ ଏବେ ପଦ୍ମପୁର। ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ବାକି ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅମାନତ ହରାଇଛି। ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି ଓ ମନାନ୍ତର, ଅନେକ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି। ଜଣେ ବିଧାୟକ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହାର ଇମେଜ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖରାପ ହେଉଛି। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି ଓ ମନାନ୍ତରର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। ନେତୃତ୍ୱ କନ୍ଦଳ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ରହିଛି। ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଲିଡରସିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ସେମିତି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ପରାଜିତ ଦଳ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିଥାଏ, କଂଗ୍ରେସରେ ସେମିତି ସିରିୟସନେସ୍ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଦଳ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଧାମନଗରରେ ଅମାନତ ହରାଇନଥାନ୍ତା। ତାହାର ରିପିଟ୍ ଦଳ ପଦ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି। 2019ରେ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ 32,787 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଦଳ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ଆଶା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଅଣଦେଖା, ଦଳ ଯେତେ ବାହାସ୍ଫଟ ମାରିଲେ ବି ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନହେଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଥରୁଟିଏ ବି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରସଙ୍ଗହୀନ ରାଜନୀତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଉଛି ତାହା ବିଜେପି ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ଗତ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରିବାକୁ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇନାହିଁ, ଫଳରେ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରାଜ୍ୟର ଜନତା ଅନୁଭବ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଟାଣୁଆ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା, ସେହିପରି ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଟଲ୍ ଫିଗର ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ନବ ଦାସ କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝି, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଦଳକୁ ଏକ ପୋଜିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ନେତାମାନେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଛି। ଯଦି ମଣିଷ ନେତାମାନେ ଜାତିର କଥା ଭାବିବେ, ଦେଶର କଥା ଭାବିବେ, ସଭ୍ୟତାର କଥା ଭାବିବେ, ଶିକ୍ଷାର କଥା ଭାବିବେ, କ'ଣ ଏମିତି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ କଳି କରିକି ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼େ କହି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭଣ୍ଡିବା, କଞ୍ଚା ମିଛ କହିକି ଲୋକଙ୍କୁଠୁ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଆଣିବା, ମଦ ଦେବା, ଟଙ୍କା ଦେବା, ଏ କଥା କରିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ମହାତୃମ ବିଜେଡି ଓ ହାଇଟେକ୍ କମ୍ପିଟିଟର ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆହୁରି କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ଯଦି ଦଳ ଉଧାଇଲା ନାହିଁ ତେବେ 2024 ପରେ ଦେଶର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ପାର୍ଟି କେବଳ ଏକ ଇତିହାସ ହୋଇ ରହିଯିବ ଚିରକାଳ ପାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପଦ୍ମପୁରରେ ବର୍ଷା ବରିଆଙ୍କ ବମ୍ପର ଶୋ, ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ବି ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ପଣରେ ମାରିଛନ୍ତି ବାଜି। ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ କିଣିପାରିଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ବି ସବୁର ନମ୍ରତାର ସହ ଜବାବ ରଖିଥିଲେ ସେ। ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କ ଏହି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ପଦ୍ମପୁରର ଦୁଇ ଟାଣୁଆ ନେତା ବିଜେପିର ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଢେର ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନ ବାଜି ଜିତି ବର୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ଦିବଂଗତ ବିଜୟ ବରିହାଙ୍କ ପରି ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାଟଲ ପାଇଁ ପୁରା ଫିଟ୍। ଝଟକିଲା ମାଟିର ଝିଅ, ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ପଣରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବର୍ଷାରାଣୀଙ୍କ ବମ୍ପର ବିଜୟ।
राजनीति रे नुआ हेले पुरुणांकु देले मात पद्मपुर रे वर्षाराणी सिंह बरिहा सबु प्रतिबंधक को मात देइछंती आ पिंधिछंती विजयी मुकुट बीजेपी रे अन्यतम टाणुआ नेता तथा राजनीति मैदान रो पुरुखा खेलाड़ी प्रदीप पुरोहित को बृहत व्यवधान ने हराई बीजेडी विधायिका भावे निर्वाचित होइछंती एही विजय परे वर्षाराणी प्रमाण करि देइछंती कि से भी खेली पारंती मास्टर स्ट्रोक बापा दिवंगत विधायक विजय रंजन सिंह बरिहांकर हठात वियोग परे असमय रे पद्मपुर सामना करिथिला उपनिर्वाचन को आउ एही समय रे बीजेडी विजयक झियो वर्षाराणी सिंह बरिहांकु निर्वाचन मैदान को लाइथिला सेबटे वर्षांक सामना रे थिले पद्मपुर दुई पोखत नेता बीजेपी रो प्रति पुरोहित एवं कांग्रेस रो सत्यभूषण साहू तेबे प्रथम दिन रो प्रचार मैदान ने बापांको अधूरा स्वप्न को पूर्ण करबाकु बुली बुली वोट भिक्षा करथिले वर्षा अब सब पहले अपन को सुख दुख रे अपन को संगे छाड़े नहीं चाहे के जे कोई मेरे करना है अपन मन को छाड़े के मैं कहीं दे सेबटे विरोधी बीजेपी किंतु वर्षा को शोशुर घर कथा उठाई आरंभ करिथिला कैंपेन बीजेपी नारा देइथिला कि ए लढ़ई हेउची माटीर पुओ आउ बाहरर बहु मध्यरे लढ़ई कारण सत्यवादी पूर्वतन विधायक तथा बीजेपी नेता रमारंजन बलियार सिंह बहु हेउछंती वर्षा तेणु जितिबा परे वर्षा पद्मपुर न आसी शोशुर घर पळाइबे बोली प्रचार करिथिला बीजेपी जहाकु बेस नम्र भावरे काउंटर करिथिले वर्षा एमितिकी बीजेपी नेता माने वर्षांक विवाह को नहीं मध्य व्यक्तिगत स्तर रे आक्षेप करिथिले हेले एहार उत्तर भी बेस नम्रतार सह देइथिले वर्षा आमे बरिहार सिंह रु बलियार सिंह को देदला परे आमे तो बलियार सिंह कहबा जे जाति रो नुहे से पार्टी रो भी नुहे आउ जे पार्टी नुहे से माटीर भी नुहे जेन माने भी मते हने निंदा दोछन अब्बाद दोछन से मान के मुई विनम्रता संगे कहू छ तमे जाने भी कहबार छ कहून मुई जागा रे थिमी इनर लोक मान को संगे सब बेले ठियाडी थिमी ओ ई जागा रो ही सेवा करथुमी सेपटे ससुर घर बीजेपी आ बाप घर बीजेडी एहा को खूब भलो भाबरे मैनेज करी लढीथिले वर्षा सेहीपरि वर्षांकर प्रार्थित्व को नहीं मापी चुपी बयान भी देथिले वरिष्ठ बीजेपी नेता रमारंजन बलियार सिंह बहुंक विजय परे भी वर्षांक उज्जवल राजनीतिक क्यारियर कामना करिछंती से ये मो परिवार पई मो पई गर्वर कथा एवं आनंदर कथा ताकु शुभेच्छा जणी सारिछि एवं से जेहेतु मोर अत्यंत आदरणीय मु ताकू आगुरु कहितली विभिन्न गणमाध्यम रे कहिछि ता पई स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद मोर थिला अछि रहिबो जेतेबेले प्रसंग भित्तिक आलोचना रे विरोधी घेरिबाकू चाहितिले ताकू भी काउंटर करिथिले वर्षा चासी प्रसंग हेउ कि जिला दाबी प्रसंग सबु बेले कहितिले कि से जितंतु बा हारंतु एही प्रसंग नै मुख्यमंत्रीक पाखकु जिबे तेबे वर्षांक सबुठु आउ एक बड़ फैक्टर थिला मुख्यमंत्रीक प्रचार सभा मंचरु वर्षांक पई मुख्यमंत्री को वोट भिक्षा भी एक बड़ व्यवधान विजय आनी देछि तेबे पूरा निर्वाचन को जदि आकलन करा जाए ताहले राजनीतिर फास्ट शो रे ही मेगा हिट साब्यस्त होइछंती वर्षा ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।